यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद वहां रह रहे भारतीय छात्र छात्राओं में अपने घर वापस लौटे औरैया निवासी दिव्यांशु ने वहां की हकीकत बयां करते हुए कहा कि यूक्रेन में युद्ध के उस दौर को हम जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। दिव्यांशु शेखर ने बताया, भारतीय दूतावास के माध्यम से पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें घर तक पहुंचाया गया। इसके लिए वो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से वहां रह रहे अन्य छात्र छात्राओं को भी जल्द से जल्द भारत वापस लाए जाने की अपील की है। वेस्टर्न बॉर्डर पे उजरोड सिटी में। अच्छा, वहाँ क्या MBBS? MBBS कौन सी है? फर्स्ट ईयर। अच्छा, वहाँ से आप लोग कब निकले थे? हम लोग उजरोड से निकले थे 27 तारीख की सुबह 9 बजे। क्या वहाँ, जब आप वहाँ मौजूद थे उस समय वहाँ क्या स्थितियाँ थी, किस तरह से आप लोगों का वहाँ समय बीता, कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे? लोग जब वहाँ थे तो जो वहाँ की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी और अभी भी है। हमारे साथ के बहुत से बच्चे मतलब की वगैरह में अटके पड़े हुए हैं, तो पूरी तरह से फंसे हुए थे। अभी तो फिलहाल वहाँ से निकल गए, उस रोड पहुँच गए, उस रोड से बाउंड्री की तरफ निकल गए। तो उस साइड पे इतना बुरा माहौल है कि कोई भी बंदा घर के सेफ मतलब घर के अंदर भी अपने आप को सेफ नहीं समझ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।